हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंड द ट्रेंड स्टाइलिंग स्टूडियो। आई एम अफरोज। आज की वीडियो में मैं जंपसूट बनाऊंगी फॉर बेबी गर्ल। इसके लिए मैंने ये कॉटन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की लेंथ मैंने लिया है 39.5 इंचेस। फैब्रिक की विड्थ मैंने लिया है 29 इंचेस। इसे मैं 2 फोल्ड कर लूँगी। फर्स्ट मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी 8 इंचेस। मैं 8 इंच पे मार्किंग कर दूँगी। देन मैं इसे कट कर लूँगी। अभी मैं पैंट की कटिंग करूंगी। इसके लिए मैं फैब्रिक को सीधा करके 4 फोल्ड कर लूंगी। पैंट की लेंथ मैं लूंगी 18 इंचेस। वेस्ट मैं लूंगी 7.5 इंचेस। क्रॉच एरिया मैं लूंगी 7.5 इंचेस। बॉटम मैं लूंगी 6 इंचेस। इसमें मैं पैंट की शेप ड्रॉ कर दूंगी। देन मैं इसे कट कर लूंगी। ये देखिए मेरी पैंट की कटिंग हो गई है। अभी मैं बॉटम में डबल फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी। ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है, बॉटम की फिनिशिंग दे दिया है मैंने। अभी मुझे इसमें इलास्टिक लगानी है। इसके लिए मैं बॉटम से 1 इंच ऊपर मार्किंग करूंगी। मार्किंग को मैं सीधा कर लूंगी। दूसरे पार्ट में भी मैं ऐसी ही मार्किंग कर लूंगी 1 इंच पे। मार्किंग को मैं सीधा कर लूंगी। अभी मैं मार्किंग के ऊपर इलास्टिक को अटैच करूंगी। ये देखिए मैंने इलास्टिक अटैच कर दिया है। अभी मैं बॉटम से क्रॉच एरिया तक सीधा स्टिच लगा दूंगी दोनों पार्ट में। ये देखिए मैंने स्टिच लगा दिया है दोनों पार्ट में। अभी मैं इसे सीधा कर लूंगी। देन मैं क्रॉच एरिया को अटैच करूंगी। इसके लिए मैं दोनों सेंटर को मिला के सेंटर से स्टिच लगाऊंगी। ये देखिए मैंने स्टिच लगा दिया है पूरे क्रॉच एरिया में। डबल स्टिच लगाया मैंने। पैंट रेडी हो गई है। अभी मैं इसमें टॉप पार्ट को अटैच करूंगी। टॉप पार्ट में इलास्टिक के लिए मैं स्ट्रिप कट करूंगी। स्ट्रिप की विड्थ मैं ले रही हूँ 1.5 इंचेस। स्ट्रिप को मैं टॉप पार्ट में नीचे की साइड पे अटैच करूंगी। फर्स्ट मैं स्ट्रिप को जॉइंट करूंगी। ये देखिए मैंने स्ट्रिप को अटैच कर दिया है टॉप पार्ट में नीचे की साइड में।
टॉप पार्ट को साइड में मैंने स्टिच दे दिया है। अभी मैं इसमें सेंटर में एंड साइड्स में नॉचेस दे दूंगी। देन मैं पैंट को टॉप पार्ट के साथ अटैच करूंगी सेंटर से। पूरे राउंड में स्टिच दूंगी मैं। सेंटर को अच्छे से मैं मिला लूंगी। ये देखिए मैंने पैंट को टॉप पार्ट के साथ अटैच कर दिया है। इसे मैं सीधा कर लूंगी। अभी मैं स्ट्रिप को फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी पूरे राउंड में। टू इंच की गैप दूंगी मैं इसमें इलास्टिक पास करने के लिए। ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है स्ट्रिप को। अभी मैं इसमें इलास्टिक पास करूंगी। इलास्टिक की लेंथ मैं ले रही हूँ 17 इंचेस। ये देखिए मैंने इलास्टिक पास कर दिया है। टॉप पार्ट में ऊपर मैं फोल्ड करके पूरे राउंड में स्टिच लगाऊंगी। ये देखिए मैंने स्टिच लगा दिया है पूरे राउंड में। अभी मैं इसमें 1 इंच नीचे से इलास्टिक अटैच करूंगी। ये देखिए मैंने इलास्टिक अटैच कर दिया है। इसे मैं फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी सो दैट मेरी इलास्टिक इनविजिबल हो जाए। अभी मैं शोल्डर के लिए स्ट्रिप कट करूंगी। स्ट्रिप की लेंथ मैं लूंगी 9 इंचेस एंड विड्थ मैं लूंगी 7 इंचेस। इसे साइड में मैं स्टिच करूंगी फोल्ड करके। एंड मैं इसमें इलास्टिक अटैच करूंगी। दोनों स्ट्रिप में एंड साइड में दूसरी साइड में फोल्ड करके मैं इलास्टिक के ऊपर अटैच कर दूंगी स्टिच कर दूंगी। ये देखिए मैंने स्ट्रिप में इलास्टिक अटैच कर दिया है। अभी मैं ये स्ट्रिप को टॉप पार्ट के साथ अटैच करूंगी। ये देखिए मैंने स्ट्रिप को अटैच कर दिया है। If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.